इंडिया इंडिया हमसे काफ़ी आगे है ना। आप है? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब बाहर की जो कंट्रीज होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है, मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स किए हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स किए हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है, वो नैरेटिव इलेक्शन तक वो महदूद रखते हैं, फोकस वो अपना अपने मुल्क की जरूरियात पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जय हिंद दोस्तों, भारत देश का दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्म अवार्ड 2024 का राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के लिए सर्वोच्च काम करने वाले देशवासियों को सम्मानित किया। कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है ना, क्या बात, ठीक है ना। हम उनके साथ कम्युनिकेट, हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो जो 90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते, वो क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या जर्मन बोलेंगे, क्या दूसरी जो लैंग्वेज, वो जुगाड़ लगा रहे होते हैं। बेचारों को तो दो तीन साल लैंग्वेज सीखने में ही लग जाते हैं, आईलेट्स करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, पहले लाखों रुपए यहाँ जाया करते हैं, फिर वीजे पे करते हैं, फिर वहाँ जाके फिर भी उनको उस तरह की जॉब मिलती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी आपको हायर करता है ना, वो आप में स्किल देता भी, आप किस तरह उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके क्लाइंट के साथ, या आप क्या सर्व कर सकते हैं उनके लिए। और खास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं अनपढ़, वैसे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कर रखी है, लेकिन चाय वाले के हवाले से भी वो काफी फेमस है पाकिस्तान में खास तौर पे। मुझे बताएं ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं भी एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ, एक यूथ हूँ, आप भी नौजवान है, एजुकेटेड है, मुझे बताएं ऐसा कैसे हो सकता है, हेल्दी सा इन्वायरमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि भाई वहां पे भी नो डाउट मुकाबला करें, लेकिन एजुकेशन में मुकाबला करें, लेकिन हेल्थ में हम भी मुकाबला करें, एजुकेशन में हेल्थ में, ये इल्जाम जो हम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे नफरतें बढ़ती हैं? दोस्तों आपको बता दें कि देश को विकसित बनाने के लिए हर एक नागरिक या देश प्रेमी अलग अलग तरह से अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे कुछ डायमंड होते हैं जो अपना पूरा जीवन देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए न्यौछावर करते हैं, और ऐसे ही महान हस्तियों से देश का नाम रोशन होता है। ऐसे ही सर्वोत्तम काम करने वाले देश प्रेमियों को हर साल देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति पद्म अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इस साल 2024 में 132 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किए गए। सबसे चर्चा में रहे विशेष रूप से दिव्यांग डॉक्टर के एस राजन्ना, जिनके हाथ और पैर पोलियो के वजह से बाधित हुए, फिर भी समाज सेवा करते हुए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बता दें कि पद्म अवार्ड उन देशवासियों को दिया जाता है जो संगीत, कला, समाज सेवा, नृत्य, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा या देश सेवा में कार्य करते है, उन नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। इंडिया पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है, जर्मन सिखा रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस सिखा रहा है कि अगर ये इंडियंस बाहर जाते हैं तो इनको लैंग्वेज का इश्यू ना आए, तो वो इतना अच्छा और इतना पहले का क्यों सोच लेते हैं? बस उनके कुछ सियासतदान अच्छे हैं, उनके साथ कोई और मसले मसाइल नहीं है, बॉर्डर के मसले नहीं है, उनके डंडे का मसला नहीं है उनके पास, हमारे पास ये मसले हैं। अगर मुल्क को ना सियासतदान चलाया ना, हाँ, तो वो ही चलाएगा। अगर मुल्क को कोई और जो इधर उधर के हाथ है ना वो चलाएंगे ना, तो वो कभी भी नहीं सरवाइव कर सकता। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते थे पहले पैसे ज्यादा मुल्क में भेजते थे, अब $30 मिलियन का डिक्रीज हो रहा है, पैसा मुल्क में नहीं अब भेज रहे, क्या वजह? पैसा मुल्क में इसलिए नहीं भेज रहे, आपने निगरान सेटअप में देखा था अभी, वो कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ना, तो वो क्यों अपना पैसा कमा के, वो जो जिस तरह भी कमा रहे हैं कोई मेहनत से या किस तरह भी, वो क्यों इधर भेजेंगे, चाहे वो इधर पैसा भेजेंगे भी चाहे डूब जाए उनका पैसा किसी भी बैंक में, फैमिलीज में, ये मसला है ना। अगर पता है भी, अगर पता नहीं है ना, ये तो कर्जों पे चल रहा है ना मुल्क, अगर वो अचानक डिफॉल्ट हो जाए एक माह बाद, दो माह बाद, तो वो क्या करेंगे? हम तो गए वो तो कहेंगे भी हम तो गए, तो वो तो यही कोशिश करेंगे वो सेविंग्स उनकी उधर ही उन्हीं मुल्क की बैंकों में रखें, जब उनके पास इतना हो जाए वो अपनी फैमिलीज को भी वहीं सेटअप कर लें। ये सवाल जब मेरे सामने आया, मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार
हम 8.8 बिलियन डॉलर का लोन आईएमएफ से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान 125 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर कितना बड़ा फर्क है, हम 25 करोड़ आवाम 8.8 बिलियन डॉलर और वो 125 135। यही तो अलमी है ना, ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है ना। आप ये देखें भी उन इंडिया में आईटी लेवल की हद तक है। बिल्कुल ऐसी है, नफरतों के साथ कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, मोहब्बतें बांट करी। मैंने आपको मिसाल दी ना मसाय वाली, अगर आप अपने मसाय के साथ ताल्लुका खराब रखेंगे आपके देखिए इसी एग्जांपल में देता हूँ, एक हमसाय के साथ ताल्लुका खराब नहीं, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी जान को भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है, आप अपना बजट सिक्योरिटी गार्ड पे लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखें, हम भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, फिर आप जब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे उसके हाथों में अच्छा, और फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो थोड़ी थोड़ी बात इसमें देखें। अभी आपने गार्ड तो रख लिया, अब गार्ड के बाद आप उसके हाथ में वेपन भी आपने देना है, ठीक है। अब अगर आपके मुखालिफ या आपके हमसाय का वेपन आपके वेपन से लेटेस्ट होगा, आप कहेंगे हमें भी लेटेस्ट वेपन देना है, आप उसकी गार्ड में लगे रहेंगे। इसी तरह आप अपना घर का बजट चलाएंगे या आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बस फोकस करिए ये रखेंगे, ठीक है। और बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक हम लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, हमने बाकी डायनेमिक्स को नहीं छेड़ा कि एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही है, हम कितना पीछे रह गए हैं। वही बांग्लादेश जो हमसे कितने साल बाद 1971 आगे हमसे अलग हुआ है, आज वो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे है, आज उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ पे, आज उनका लिटरेसी रेट क्या है, आज उनका जीडीपी कहाँ पे है, देखें उनकी करेंसी, उनकी करेंसी, ये सारे फैक्टर्स हैं, इन चीजों को देखना पड़ेगा। और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें, अपनी कोशिश करते रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उधर इंडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा, वहाँ का भी जो पढ़े लिखे यूथ है, मेरे अक्सर मेरे कजन और मेरे फ्रेंड्स जो दुबई में है वो बताते हैं कि इंडियंस हमारे साथ इतने नफरत नहीं करते। मेरा भी दुबई का विजिट रहा है और मैंने वहाँ पे जाके नोट किया है जितना उन्होंने मोहब्बत दिखाई और जितना वो आप जैसे बात कर रहे थे। तो यही वो सारी चीजें हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ नफरतें बांटनी है तो उससे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हाँ आप मुकाबला करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप सिंपल सी बात है, आपको गंदम चाहिए आप साथ वाले मुल्क से ले लें, इनरिस्पेक्ट ऑफ आप रशिया से लेके आ रहे हैं आपके टमाटर यहाँ पे, ठीक है ना। उनके जो लोग हमारे जो लोग यहाँ पे सीखते हैं ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या अमेजोन पे कोई भी जो आजकल नए आए हुए हैं उन पे जो काम करते हैं वो सीखते हैं, बस थोड़ा सा ये कमीशन बेस पे काम करते हैं, उन्होंने खुद अपने इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं इंडिया वालों ने, इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ओपन किया हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है भी वो इस तरह हमारे लेवल काम करने में तरीके में उनके काम करने में तरीके में बहुत फर्क है। हम अभी ग्राउंड लेवल के उन किसी के अंडर है, वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं छोटे लेवल पे किया, मतलब एक कपड़े का काम किया किसी औरत ने किसी गाँव में, तो उसने खुद अपनी वो इंडस्ट्री बनाई है छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री, फिर जब बाहर के उसने उस इंडस्ट्री को इस तरह अलग अंदाज में पेश किया, अभी बाहर के लोग अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ इन्वेस्ट किया, हमारे में अभी वो चीज़ नहीं आ रही ना, हमारे में उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को, ठीक है वो लोग है वो अपने बस। तो दोस्तों पद्म अवार्ड से सम्मानित इन देश प्रेमियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।